पंद्रह बोलवले मी त्या साईडने जातो तिकडे लोट हा लोट तिकडे त्या साईड काटे हा काटे लोट हा बोला वावरा रात्री साढ़े अकरा वाजता मी या कागद पाहायला येलो होते माहिती आला आली मरण द्यायचं दिवन द्यायचं काय एवढं एवढं साहेब बसायचं मी जायचं मरले पण तो कागद पडेल होता ना तरी जाय केलो होता मी जायल नाही कुठं तिकडून येतो थांबा मांडोळे का म्हणतोय काय तू बाबा मांडो मला काय तू दोन तोंड आहे माझे डोळे दाखले मला काही दिसना ती मांडोळे गांडोळ गांडोळ शेतकऱ्याचं काय कवळ ना पण ते आहे ना शेतकऱ्याचं त्याला मारायला जाड असल्यामुळं जागा दिला तेच म्हणलं त्याला शेप आहे का काय मी तुला काय सांगितलं मला काही समजलं नाही शेप आहे का नाही आहे त्याला काहीच कळलं नाही अरे प्राणी मस्त बाय माणूस जागा नाही राईन फास्ट गेला का ते नाही नाही हळूहळू मांडुळाचे हा मांडूळ साप आहे एकच असत आणि बिनविषारी साप असत दात असतात ना त्याला काय खातो जास्त याला सगळ्यात जास्त उंदीर आवडत त्याच्यामुळे उंदीर खायले का नाही उंदीर वगैरे नाही खाल्लेला त्याचं पोटले नाही उंदीर खाल्लेलं असतात लगेच दिसत ना ते लोक आहे ना याच्या मागे लई असे हात धुवून लागलेले असतात ते अंधश्रद्धा म्हणून बस नाही का मारणायला नाही प्रकार आहे सापच सापच एवढं फास्ट चालत नाही नाही मांडूळ हा सापाचा प्रकार आहे मांडूळ साप नाही मांडूळ हे त्याचं नाव आहे सापच आहे तो सापाचा प्रकार आहे मांडूळ मांडूळ गांडूळ गांडूळ मांडूळ एकच शब्द ते लोक दोन तोंड नसत त्याला ही मागची मागची शेप आहे ना की बोथड असती ना त्यामुळे ते काही ना असं वाटतं का दोन तोंड आहेत का पण त्याला दोन तोंड नसत एकच तोंड असत त्याला मित्राचे म्हणतो हा एकदम शांत साप असतो चावतो का माणसाला जवळपास 99% हा चावत नाहीच म्हणजे त्याला पकडलं तरी सहज 99% चावण्याचे चान्सेस त्याचे फार कमी आहे म्हणजे नाहीच नाहीच आहे जवळपास चावलं तरी काही नाही ना आणि चावलं तरी काही नाही कारण तो बिनविषारी कधीच नाही ना पण
हाँ ऊन लागल तो लपायल जागा बहु रहा ऐकते आपण बोलते नहीं नहीं दोस्तों हम नानज गांव में सुमन रेव चत्तर ये जो मौसी है इनके खेत में आए हैं तो इन्होंने बताया था कि बहुत बड़ा सांप है। जब बहुत बड़ा सांप बताया जाता है तो तीन सांप मेरे सामने आते हैं जो स्थूल टाइप के होते हैं और जो धीरे धीरे चलते हैं। इसमें एक पहला होता है जो जहरीला होता है उसे हम घोनस बोलते हैं रसेल स्वाइपर। तो उसका भी एक अंदाजा रहता है कि कहीं ना कहीं अगर वो होता है तो ज़्यादा रिस्क भरा हो सकता है जो आम लोग होते हैं उनके लिए। और ये दूसरा होता है मांडूर सांप रेड सैंड बोवा, ये बिना जहरीला सांप होता है। और तीसरा होता है एक जो अजगर सांप, वो भी बिना जहरीला होता है लेकिन वो कम मात्रा में दिखाई देते हैं, ये अक्सर दिखाई देते हैं। और रसेल स्वाइपर भी होता है, वो भी अक्सर दिखाई देता है। ये जो सांप है ये पूरी तरीके से बिना जहरीला है, नॉन वेनमस है। इसे अंग्रेजी में रेड सैंड बोवा बोलते हैं, हिंदी में इसे दोमुहा सांप बोलते हैं। सिर्फ नाम पड़ा है दोमुहा सांप यानी दो तुंडा सांप, लेकिन इसके मुँह इसका मुँह जो होता है एक ही होता है। अब ये पिछली जो है यहाँ पे जो है ये इसकी पूँछ है और ये इसका सिर है। ये सांप जो होता है ये 99% नहीं काटता, लेकिन 1% कभी भी काटता भी है तो इसमें जहर नहीं होता। बहुत सारे लोग इस सांप की तस्करी करने की कोशिश करते हैं जो कि गुनाह है, कानूनी तौर पर गुनाह है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत वो जो भी कुछ पकड़ता है खुद के पास रखता है और कोई भी इल्लीगल कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो उसको जेल हो सकती है 1972 के कायदे के अंतर्गत। तो इसको बचाना चाहिए, बहुत ही प्यारा सा सांप होता है। और जो कुछ भी लोग तस्करी करने की कोशिश करते हैं उनको भी इसका कुछ भी फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कुछ खास इसमें ऐसी दवाइयाँ नहीं बन सकती, ड्रग्स नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक अफवाह के कारण इसकी तस्करी करते हैं। तो हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि ये करना कानूनी तौर पर तो इल्लीगल है ही, लेकिन फिर भी आप सांपों को बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि वन्य जीव रहेंगे तो हम रहेंगे, क्योंकि एक पूरी तरीके से एक साइकिल होता है, ये निसर्ग चक्र होता है। तो इसको तुरंत ही हमें रिलीज करना होता है। बाकी फालतू के लोग झंझट करते रहते हैं कि इसका वजन कितना है क्या है, ऐसी कोशिश ना करें, मापे भी ना कुछ भी ना करें, तुरंत ही इस सांप को छोड़ देना चाहिए। बहुत बड़ा सांप है, चूहे खाने में एकदम माहिर होता है। अब यहाँ पे धान निकालने के लिए यहाँ पे सारी सामग्री इकट्ठी की गई है और उसी दौरान ये मौसी जब अकेली थी तब उनको ये यहाँ पे इस धान के नीचे जाने वक्त दिखा था। तो हमने आकर अभी इसे पकड़ लिया है। बहुत ही प्यारा सा सांप है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी जो बाकी कामकाज कोई भी करता है तो सावधानी रखिए कि पैरों में अगर जूते रहते हैं तो अच्छा है, जूते नहीं भी है तो जो सामान है एकदम डायरेक्ट सी ऐसे अड़चने वाली जगह पे जाने से पहले थोड़ा थोड़ा सा सावधानी से बाहर निकालिए, ऐसी कोशिश करिए। बाकी चलो ठीक है, अच्छा है, बहुत बड़ा सांप है और इसको भी जीने का हक है, हमें भी जीने का हक है, तो इसे अभी तुरंत ही छोड़ देते हैं। सर आपका क्या नाम है, इन्होंने मुझे कॉल किया था? ज्ञानेश्वर चत्तर जी जो है इन्होंने कॉल किया था मुझे सांप पकड़ने के लिए, तो उनका भी फिर से एक बार शुक्रिया, क्योंकि अगर वो कॉल नहीं करते तो शायद ये सांप मर जाता। तो उनका भी फिर से एक बार शुक्रिया। तो चलो इस सांप को अभी तुरंत ही छोड़ देते हैं। एक बार नज़दीक से मैं दिखा देता हूँ कि इसका पूंछ किस तरीके का है और सिर किस तरीके का है। और जब दूर से लोग देखते हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि इसके सिर पे यहाँ पे इसकी आँखें और ये अगर दूर से देखते तो बिल्कुल पता नहीं चलता। और यहाँ पे जो है ये पूंछ है और पूंछ की तरफ की जो ये उसकी केंचुए है यानी वो ऊपर की परत होती है तो ये निकालने पे है और कुछ ना कुछ गीली जगह से ये अटक गई है। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि ये इसके पूंछ के ऊपर या सिर के ऊपर कुछ तुरा वगैरह ऐसा कुछ है या नागमनी है, ऐसा कुछ गलत फहमियाँ हो जाती है। और यहाँ पे इसका पिछला हिस्सा जो होता है वो काली त्वचा के बाजू में थोड़ा थोड़ा सा व्हाइट होता है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जख्म हुई है क्या, लेकिन जख्म नहीं रहती है, उसका अंदरूनी ही रहता है। एक उसका बचाव करने के लिए रहता है ताकि ये अगर इसका मुंह जमीन के अंदर डाल देता है तो पूंछ ऊपर रहता है, तो इसके कारण इसकी जान बचने में इसको मदद होती है। साप पाहिले वरती मला आजूक सुद्धा घाबरा होते माझा, चालायचं जाता साप बघितल्यानंतर कोणाला भीती वाटणार, पण आता साप पकडला आता भीती गेली त्याच्यामुळे काही घाबर नाही मला भीती, कारण भीतीच एवढी वाटेल। साहजिक आहे, सर्वांनाच भीती वाटते, तुम्हालाच वाटते अशी काही वेगळेपणा नाही। जवळपास 70-80% लोकांना सापाची भीती वाटतेच,
त्याच्यामुळे काय अडचण नाही. आता आपण पकडलाय बिनविषारी साप आहे, तर मी याला बॅग मध्ये सोडतो. त्याच्या जीवाला लोकांचं काय झालं, साप म्हणला का त्याचा पहिला काय नाही काय नाही काय करत आहे. बंद बॅगला एक दोन होल करू छोटे. सोडलाय पकडला होता आपण गांडूळ होता मांडळच होता. दरवाजा तुम्ही सोडून दिलं, चांगलं काम केलं. इथं नानाजला पकडला होता.